के बेगूसराय में कांग्रेसियों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुतला दहन किया। वहीं इस दौरान उद्योगपति विजय माल्या और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साठगांठ खुलासे के बाद कांग्रेसियों ने अरुण जेटली के खिलाफ नारेबाजी कर इस्तीफे की मांग की। उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर में पुलिस ने मवेशी और गहने लूटने वाले दो अंतरजनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर योजना बनाकर पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस लुटेरों को गिरफ्तार कर पूछताछ में लगी हुई है। पंजाब के मोगा में आप नेता सुखपाल खरेरा मोगा की नई मंडी में पहुंचे और व्यापारियों की समस्याओं को सुना। वहीं सुखपाल खरेरा मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस और अकाली दल पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने केजरीवाल के दिए बयान पर कहा कि पंजाब में कोई किसी को मनाने नहीं आया है। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने कई मामलों में वंचित चल रहा कुख्यात अपराधी संतोष चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर नाकाबंदी और अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक संतोष चौधरी गिरफ्तारी के बाद अपराध की वारदातों में कमी आएगी। यूपी के संतकबीर जिले के कोतवाली खलीला क्षेत्र के असनेहरा गांव में पुल की मांग को लेकर धरना कर रहे 35 वर्षीय अनशनकारी देवी शरण गौंड की इलाज के दौरान मौत हो गई। असनेहरा गांव और बस्ती जनपद का मुडेरवा बाजार काफी निकट है, लेकिन बीच में नदी पड़ने के कारण सड़क मार्ग से जाने पर लगभग ग्रामीणों को 10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। इसी वजह से ग्रामीण अनशन करने को मजबूर हैं। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के सरकारी अस्पताल से एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वहीं 14 साल की लड़की सरकारी अस्पताल में पट्टी कराने गई थी, जहां पर युवक ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।